सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वल्ली हेल्थ एडवाइस। तो आज इस वीडियो में पीएमएस में इस्तेमाल होने वाली सबसे बेहतर मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, सभी महिलाएं परेशान होती हैं महीने में एक बार इस पीएमएस की समस्या से। पीएमएस में काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखते हैं। अगर किसी महिला में 50% भी पीएमएस के सिम्टम्स दिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। तो उस मेडिसिन का नाम है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल पीएमएस की समस्या में सबसे बेहतर मेडिसिन मानी जाती है एंड इसका इस्तेमाल और भी कई सारी बीमारियों में किया जाता है। तो किन बीमारियों में इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल है, कौन कौन सी बीमारियों की ये सबसे बेहतर रिजल्ट शो कर रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके डोजेस क्या हो सकते हैं एंड इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के बारे में बात की जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल मोस्टली इवनिंग प्रिमरोज के फ्लावर के सीड से प्राप्त किया जाता है जो मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका और इंग्लैंड में ही पाया जाता है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल मुख्यतः पीएमएस की समस्या में काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, सभी महिलाएं महीने में एक बार इस पीएमएस की समस्या से परेशान होती है और इस पीएमएस में काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखते हैं। अगर 50% भी सिम्टम्स किसी महिला में दिखता है तो वो महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। इसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो मुख्य रूप से बैक पेन की समस्या यानी पीठ में दर्द की समस्या होती है, स्टोमेक पेन की समस्या यानी पेट दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, पेट के जो निचले स्तर की जो दर्द होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अगर पीएमएस के समस्या से परेशान है। और उससे जो सिम्टम्स दिखते हैं वो पेट दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, स्वेलिंग की समस्या होती है, भूख न लगने की समस्या होती है, सर दर्द की समस्या होती है, कभी कभी वोमिटिंग की भी समस्या देखी गई है। तो इन सभी समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। कभी कभी ब्रेस्ट पेन की समस्या भी देखी गई है, ब्रेस्ट टाइटनेस की भी समस्या देखी गई है। तो अगर इन सभी समस्याओं से आप परेशान हैं तो इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इस पीएमएस की समस्या में काफ़ी बेहतर रिजल्ट शो करता है। अगर कोई महिला ब्रेस्ट पेन की समस्या से परेशान है तो उस ब्रेस्ट पेन की समस्या में भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। यानी मेस्टेल्जिया में या तो फिर एक ब्रेस्ट में पेन होते हैं या तो फिर दोनों ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होते हैं, तो उस मेस्टेल्जिया में भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। अर्थराइटिस की समस्या हो गई यानी जोड़ों के दर्द की अगर समस्या है तो वहाँ पे भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। अगर आपको ज्वाइंट पेन की समस्या है और उस ज्वाइंट पेन में स्वेलिंग आ चुकी है और फिर पेन भी काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, अगर कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है तो वहाँ पे भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर और काफ़ी बेहतर रिजल्ट शो हुआ है। स्किन डिसऑर्डर के केस में भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। अगर आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्किन सॉफ्ट, मॉइस्चर और हेल्दी बना हुआ रहता है, फेयरनेस भी काफ़ी बेहतर लाता है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में GLA की मात्रा काफ़ी बेहतर पाई जाती है यानी गामा लिनोलेनिक एसिड। ये एक इसेंशियल एमिनो एसिड यानी फैटी एसिड है जो कि किसी भी स्किन डिसऑर्डर के लिए काफ़ी बेहतर एजेंट माना जाता है। GLA आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, इसे आपको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो GLA की मात्रा इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में काफ़ी बेहतर पाया जाता है जिसके कारण ये किसी भी स्किन डिसऑर्डर को ख़त्म करने में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। ये आपके स्किन को मॉइस्ट रखता है, सॉफ्ट रखता है और इसे फेयरनेस बनाने में मदद करता है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन में भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है और उसे पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है, तो वहाँ पे भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है।
काफ़ी सारे लोग इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के कैप्सूल से उस ऑयल को निकाल कर अपने चेहरे पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक स्किन डिसऑर्डर को ख़त्म करने की भी ऑयल मानी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके ऑयल का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक करें। आप हल्के से पहले, अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्के से ऑयल का इस्तेमाल करें। किसी भी सॉफ्ट स्किन पर, कान के पीछे हल्का मात्रा में आप उसे पहले इस्तेमाल कर लें कि आपको इस ऑयल से किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ही आप अपने पूरे चेहरे पर इस ऑयल को इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि इस ऑयल के पूरे चेहरे पर इस्तेमाल करने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखे हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल डायरेक्ट अपने चेहरे पर ना करें, पहले हल्के मात्रा में अपने किसी भी कहीं पे भी सॉफ्ट स्किन पर करें, उसके बाद ही अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल करें। तो आप जानते हैं इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हालाँकि इसका साइड इफ़ेक्ट सभी लोगों में नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का साइड इफ़ेक्ट देखा गया और काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। इसका काफ़ी कॉमन साइड इफेक्ट है, ना के बराबर साइड इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आप इस इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्टोमैक अपसेट की समस्या हो सकती है, स्टोमैक पेन की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग की भी समस्या देखी गई है और नौजिया की भी समस्या देखी गई है। कभी कभी त्वचा पे चकते निकलने की भी समस्या इस इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के द्वारा देखी गई है। तो काफ़ी कॉमन साइड इफेक्ट इसका देखा गया है। तो अगर आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का शारीरिक अस्वस्थता दिखता है तो आप तुरंत इस इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसका डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का डोज, पूरा डोज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ना तो ये PMS में रिज़ल्ट आपको दिखाएगा, ना ही तो अर्थराइटिस में ये रिज़ल्ट दिखाएगा और ना ही तो स्किन डिसऑर्डर में ये रिज़ल्ट शो करेगा। तो इसका जो डोज है, इसके जो कैप्सूल्स आते हैं वो 500 mg के आते हैं और 1000 mg के आते हैं, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो 500 mg ट्राइस अ डे। इसके डोजेज सीवियरिटी के भी ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सीवियरिटी ज़्यादा है तो मैक्सिमम डोज एक दिन में 3 कैप्सूल आप ले सकते हैं 500 mg के। अगर आपकी आपका जो सीवियरिटी है, पेन की समस्या है, वो काफ़ी कम है तो दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह और शाम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर समस्या काफ़ी ज़्यादा है तो दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बच्चों के चेहरे पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चों के जो चेहरे होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल करने से पहले आप पहले अपने सॉफ्ट स्किन पर इस्तेमाल करें, उसके बाद ही आप अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।